बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा हातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर आप तमाम देखने वालों को सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो करेंगे 9th क्लास की जो मुताले पाकिस्तान है, पाक स्टडी है, जमात नहम के लिए वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से आपके जो स्मार्ट सिलेबस में वो भी सिलेबस जो है आपका रिड्यूस हो चुका है। ये स्मार्ट सिलेबस आपने लाजमी अपने सामने रखना है। मैंने पूरी बुक के निशान लगा लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम गैस पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें जो जो टॉपिक इंक्लूड है उस पर मैंने ना ग्रीन हाइलाइटर से टिक किया हुआ है। सबसे पहले है नज़रिया पाकिस्तान की तरीब माहज और इसकी अहमियत। नज़रिया पाकिस्तान की माहज है और नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत आपके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम आपके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद आपके पास इस्लामी रियासत और अकलियतों के हकूक आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। नज़रिया पाकिस्तान से आगाही आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल ही नहीं है। नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, हाँ, बरेसगीर के मुसलमानों की मजहबी सगावती समाजी और माशी महरूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिए की इब्तदा और इत्तगा की वजाहत करें, यह शामिल है। नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म, ठीक है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। वो सिर्फ छोटा सा मुन्ना सा पैराग्राफ नहीं था, बाकी सारा चैप्टर इंक्लूड है। एम सी क्यूज की अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कम्प्लीट है, खाली जगह है। इसके बाद मुख्तसर सवालात, सिर्फ ये वाला नहीं है, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में भी बच्चों बाकी सारे हैं, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से करके जाना है। अब मैं अगर आपको गैस पेपर बताऊँ ना, चैप्टर नंबर 1 के गैस पेपर इंपॉर्टेंट बैक शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट बैक शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट इनर जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो बच्चों आपने लाजमी करके जाने हैं, ठीक है। इनर शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है और लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है। दो ही लॉन्ग हैं, एक इलामा इकबाल वाला और एक कायद आजम मोहम्मद अली जना वाला। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान, तकसीम बंगाल, शिमला वफद, कायद मुस्लिम लीग का क़याम, मिंटो मरले असलाहत, इसके बाद मसाक लखनऊ, तहरीक खिलाफत, तहरीक अदम ताउन, इसके बाद ये ताबुन नहीं है, तहरीक अदम ताबुन नहीं है, तहरीक हिजरत, नेहरू रिपोर्ट, कायद अजम के 14 नकात आपके सिलेबस में गिवन है, इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन है। इसके बाद क्या गिवन नहीं है, 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन नहीं है, करार दादे लाहौर 1940, करप्शन मिशन भी नहीं है, काबीना मिशन भी नहीं है, योम रियासत इख्तदाम भी नहीं है, अबूरी हुकूमत का क़याम भी नहीं है, 3 जून 1947 का मनसूबा शामिल है। इसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जना ये शामिल है। इसके बाद रियासत का इस्तेकाम और आइन की तैयारी ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इब्तदाई मसाइल भी नहीं है, इब्तदाई मुश्किलात भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद आज़म मोहम्मद अली जना की हिदमात और कारनामे ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसके बाद पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खां की हिदमात ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल ही नहीं है। करारदाद मकासिद ये आपके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल ही नहीं है, ये भी नहीं है, आगे भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। आगे ये है पाकिस्तान भारत जंग 1965 आपके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद बच्चों माशी तरक्की आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये भी नहीं है, आगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये शामिल है। मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी और बंगला देश का क़याम ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के सबब ये भी शामिल है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में 1
3, 5 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसके बाद में अगर आपको गेस्ट पेपर चैप्टर नंबर 2 के भी दिखा दूँ, चैप्टर नंबर 2 के जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़े से ही हैं, इस वजह से थोड़े से ही हैं। इस तरह इनर शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना तो इनर शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा है, ये आपने लाजमी ये करके जाने हैं, इसी में से इंशाल्लाह ताला पेपर आना है। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर आपको एक चैनल के बारे में बताऊं ना, BCPM साइंस, ये स्टूडेंट्स बच्चों के साथ फ्रॉडियां कर रहे हैं, फिल्में चला रहे हैं, इनके पास कोई गेस्ट पेपर गिवन नहीं है, पुरानी पुरानी बुक के गेस्ट पेपर गिवन है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये देखें, आपको भी मैंने दिखाया है कि ये जो पूरी बुक है ये चेंज हुई है, लेकिन ये वाले जो बुक के गेस्ट पेपर है ना, ये वाली बुक के जो गेस्ट पेपर है, ओल्ड बुक के गेस्ट पेपर हैं। आप स्टूडेंट्स ने फुद्दू नहीं बनना, ये स्टूडेंट्स से 1500-1500 रुपया लेकर भी ओल्ड बुक्स के गेस्ट पेपर प्रोवाइड करे, और वो भी गेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जो हमारे, याद कर लें, ये चैनल का नाम BCPM साइंस, ये चोड़ चक्का है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉडियां कर रहा है। अगर आप 9th साइंस ग्रुप आल सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर 2021 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 ये सारे गेस्ट पेपर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिया आता है, पाक स्टडी की जो न्यू बुक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 अपने घर मंगवाना चाहते हैं और हमारे इन गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, यू विल गेन 475+ मार्क्स इन पाक स्टडी। गारंटी है कि अगर आप हमारे इन गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, अपने घर मंगवाने के लिए आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टैक्ट करना है। TCS वाला 2 डेज में आपको ये सारे गेस्ट पेपर आपको आपके घर पकड़ा कर जाएगा। आपने जस्ट कितनी पेमेंट पे करनी है, 999 रुपीज। चैप्टर नंबर 3 की हम बात करते हैं, जमीन और माहौल में आपके पास क्या चीज़ शामिल है, पाकिस्तान का महल्ले वकू शामिल है, महल्ले वकू की अहमियत शामिल है, पाकिस्तान के तबई हदो हाल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये भी नहीं है, आगे 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 क्या है अब शामिल, जी हाँ ये शामिल है, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात आपके पास शामिल हैं। इसके बाद ग्लेशियर्स की अहमियत, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया ये शामिल है। इसके बाद आपके पास पाकिस्तान की नहरें शामिल नहीं है, मुझे मारे पाकिस्तान की नहरें शामिल नहीं है। जंगलात आपके सिलेबस में शामिल हैं, जंगलात की अहमियत आपके सिलेबस में शामिल है। पाकिस्तान में जंगली हयात ये भी शामिल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आगे ये है अहम माहौलियाती मसाइल और इनका हल, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। आलूदगी भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ज़मीन का सहरा में तब्दील होना स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। सीमोथोर भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। पानी, ज़मीन, निबातात और जंगली हयात के बचाव में हाल मुश्किलात ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, ये भी नहीं है। अगर हम MCQs की बात करें, 2 है 4 है, खाली जगह है, मुख्तसर सवालात हैं, ये आपके पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल हैं। आपने क्या करना है, हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करनी है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से करके जाने हैं और इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, हवातीन को बा इख्तियार बनाना, कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में हवातीन के हकूक शामिल हैं, तहरीक पाकिस्तान में हवातीन का किरदार शामिल है। इसके बाद आपके पास आइनी दिफात के हवाले से तशद्दुद के माशरे पर असरात ये शामिल नहीं है, बाकी आपके पास सारा कुछ शामिल है, ठीक है। इसके बाद अगर आप 9th साइंस ग्रुप आर सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर 2021 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 अपने घर मंगवाना चाहते हैं, याद रखें कि अगर आप इन गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत से गेस्ट पेपर की प्रेपरेशन होती है, एक एक क्वेश्चन को पास पेपर में से कलेक्ट किया जाता है, फिर कंपोजिंग की जाती है, आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप लाजमी इन गेस्ट पेपर को अपने घर मंगवाएं, जिसमें आपको मिलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस न्यू बुक मिलेगी, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिया आता है, पास स्टडी न्यू बुक गेस्ट पेपर 2021 आपको मिलेंगे। अभी अपने घर मंगवाएं और इम्तिहान में 475+ मार्क्स गेन करें। ये साइंस सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल है, आर्ट सब्जेक्ट्स के भी अवेलेबल है, जिसमें जनरल साइंस है, एजुकेशन इस्लामिया आती तैयारी है, जनरल रियाजी है, होम इकोनॉमिक्स के हैं, सारे गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, साइंस की सेंस में भी, आर्ट्स की सेंस में भी।
आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करना है। आपके घर 2 डेज में ये TCS वाले आपके घर ये सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपके घर देकर जाएंगे और जस्ट आपने 999 रुपीज पे करने हैं हमारे गेस्ट पेपर से। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एग्जाम्स भी इंशाल्लाह ताला इन गेस्ट पेपर में से ही आएगा। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामुअलैकुम।